यही ये सारे जो है बहुत बड़े सवाल हैं, जिन सवालों का पूरा उत्तराखंड पूरा देश जवाब मांग रहा है। आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक, नागालैंड से कच्छ के रण तक, सारी जनमानस उद्वेलित है इस बात को लेकर के। और उत्तराखंड की भी परीक्षा है कि हम लड़ें जबरदस्त तरीके से अपने आक्रोश को व्यक्त करें। सीबीआई की जांच की मांग इसी लेकर है कि इसमें हाई प्रोफाइल व्यक्ति किसी को बचाने की कोशिश हो रही, जिस जल्दीबाजी से डोजर चलाया गया, जिस जैसे वहाँ आगजनी की गई, सबूत मिटाने की कोशिश भी, और पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी और उसके लड़की के पिता की कन्वर्सेशन, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, उसको किस नियत से टेप किया गया और किस तरीके से उसको सार्वजनिक किया गया, ये भी जांच का विषय होना चाहिए, ये भी एक पहलू है देखने का। और दूसरा, अगर हाई प्रोफाइल केस नहीं होता तो जिसके नाम पर रिजॉर्ट है, जिसको ज़मीन किसी और उद्देश्य से दी गई, जिसने वहाँ इलीगल ढंग से रिजॉर्ट चलाया, वो गिरफ्तार क्यों नहीं है? वो लड़के का जो फादर है, जो खुद एक नेता है, बीजेपी का नेता है, वो कल अपने घर में ताला लगा के गायब हो गया, आखिर 5 दिन तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? देखिए, अंकिता पहाड़ की बेटी थी और उत्तराखंड की बेटी, जिसकी बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई, और जो उसके पिताजी लगातार दर दर की ठोकरें खाते रहे, और जो प्राथमिकी राजस्व पर पुलिस को दर्ज करनी चाहिए थी, उस पर विलंब किया गया, उस मामले को ख़त्म करने की कोशिश की गई, साजिश की गई। आखिरकार जो दबाव बना स्थानीय जनता का, जनप्रतिनिधियों का, तो मजबूरी से मजबूर होकर सिविल पुलिस ने FIR दर्ज की और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, उनको जुडिशल मस्टी में भेज दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उनको पुलिस ने रिमांड में लेने के लिए क्यों एप्लीकेशन नहीं लगाई।